तो मैं हूं भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और इस जॉब की एलिजिबिलिटी है आईटीआई डिप्लोमा या फिर बीटेक। हर ड्यूटी करने के बाद आपको मिनिमम 16 घंटे का मिलता है रेस्ट और आज हमारी ड्यूटी लगती है शाम को। रात तक हम पहुंच जाते हैं अपनी मालगाड़ी के पास, जिसको कि हम बाहर से और अंदर से चेक करने के बाद स्टेशन मास्टर को बता देते हैं कि हमारे साइड से गाड़ी रेडी है, आप चलवाइए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारा हो जाता पानी खत्म, फिर मैं सभ्य सर्फर की तरह गोबर से बचता हुआ पहुंच जाता हूं पानी भरने। इसके बाद जैसे ही हमारा सिग्नल होता है रेड से ग्रीन, हम अपनी ट्रेन को लेकर उड़ जाते हैं। उसको लेकर चलते जाते हैं। मालगाड़ी की स्पीड लगभग 60, 70, 80 इनके आसपास होती है। कुछ मालगाड़ी 100 की स्पीड से भी चलती हैं। इसके बाद हम अपनी गाड़ी को लेकर जब चलते हैं, रात के 12 एक बजे के आसपास हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर उसको लेकर पहुंचना था। वहां पर रनिंग रूम जो कि लोको पायलट के लिए बनाए हुए होते हैं, जहां पर वो आराम करते हैं, वहां जाकर थोड़ा सा पानी गर्म करके मैं पीता हूं। इसके बाद मैं पीता हूं चाय। आ जाती है हमारे घर की वाली पैसेंजर ट्रेन और हम उसमें बैठ जाते हैं और उसकी धुड़ुक धुड़ुक सुनते हुए सीधे आ जाते हैं सुबह से पहले अपने घर वापस।